नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और मार्केट लाइव में चर्चा करेंगे यहां पर अभी के सबसे बड़े टॉपिक की। जो इस वक्त सबसे बड़ा हॉट टॉपिक आज आया है वो है गेहूं निर्यात पर रोक। जी हां, सही सुना है आपने, भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर यानी गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसको फ्री कैटेगरी से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न्स लिए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, कहीं उसमें कुछ खतरा ना पैदा पड़ जाए, इसकी वजह से भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। तो अब सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसका असर गेहूं के बाजार पर कितना पड़ेगा, वीट फ्यूचर्स कैसे रहेंगे, स्पॉट में क्या रहेगा और आगे बाजार में ट्रेंड क्या होने वाला है, ये जानेंगे। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अजय जी। सरकार ने ये जो वीट के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है इसका असर सबसे पहले क्या रहने वाला है? देखिए, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है, जैसे हमने पहले भी देखा लड़ाई के बाद, ये तो चीज कंफर्म थी कि जो भी सप्लाई हो सकती है मार्केट में वो गेहूं की डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज हमारे पास बफर स्टॉक काफी ज्यादा था। अब उसी को देखते हुए हमने एक्सपोर्ट हमारे काफी ऊंचे लेवल पे छूते हुए देखा। हमने देखा 22-23 के अंदर कम से कम, जैसे गवर्नमेंट ने भी जो शिपमेंट के टारगेट रखे थे 10 मिलियन टन के आसपास ओवरऑल टारगेट रखे थे, और हमने देखा इनलाइन एक्सपोर्ट भी अच्छे होते जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं चिंता ये भी थी कि इससे डोमेस्टिक मार्केट में क्या असर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमने देखा कि यील्ड में इस बार ड्रॉप था जी। और कहीं ना कहीं जिस ढंग से हीट वेव है इसकी वजह से ये हमने ड्रॉप आते हुए देखा। तो ये एक तो पैंडेमिक के बाद और दूसरा जब भी ऐसी लड़ाई आती है तो हम फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन भी देखते हैं, जिसमें हमने रिसेंटली देखा कि श्रीलंका काफी लाइमलाइट में रही थी जी। तो ये सबको देखते हुए ऐसे प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी थे, और हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट ने अभी स्टेप लिया है इसी चीज को देखते हुए लिया, ताकि हमारे यहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बने। नो डाउट हमारा स्टॉक काफी अच्छा था, बट इस बार जिस दिन से हम देख रहे हैं कि यील्ड में ड्रॉप है, प्रोडक्शन के अंदर ड्रॉप है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है आगे जाकर, क्योंकि अभी भी ब्लैक सी की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं हार्ड हिट है और जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। मोर देन 70 डेज हो चुका है लड़ाई के, तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है ताकि डोमेस्टिक मार्केट पे जिस ढंग से इन्फ्लेशन हमने 6.8 के ऊपर जाते हुए देखा वो कंट्रोल में आ पाए और प्राइजेस कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखे जी। फ्यूचर अब कैसा रहने वाला है, क्या सरकार ने ये जो प्रतिक्रिया दी है उसका असर अभी वीट फ्यूचर पर कैसा देखने को मिल रहा है? क्या वीट फ्यूचर में भी यहाँ पे कुछ गिरावट आई है सरकार के इस फैसले से? देखिए, अगर हम आप पहले प्राइस की अगर रैली की बात करें तो पिछले एक साल में करीबन 20% की तेजी देख चुके हैं, जनवरी से अभी तक 7% की तेजी देख चुके हैं। आई थिंक प्राइसेस के अंदर थोड़ा एक गिरावट रह सकता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइसेस में कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बने, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो शॉर्टेजेस का एक डर बना हुआ है वो कहेगा कि प्राइसेस को होल्ड ही करेगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की ये स्टेप के बाद मे बी पॉसिबल कि हम 2150 से 2120 तक के लेवल का एक पुल बैक देख पाए। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन बन रही मार्केट में, ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ ही रहेगा। वही मैंने पहले भी आगाह किया था कि जो एक्शन हुए हैं या वीट को देखकर वो ऑलरेडी फीज आउट हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस दिन से हमने रैली बनते हुए देखी है जी। हमने 2011 के बाद का हाईएस्ट लेवल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो टेक्निकली मुझे लगता है कि प्राइजेस में जो पहले उम्मीद थी कि एक अच्छी खासी रैली कर सकता है, 2700-2800 तक के लेवल दिखा सकता है उसके बियॉन्ड, अब वैसा सिचुएशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगले महीने डेढ़ महीने की अगर बात करें तो 2150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा और 2500 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस ढंग से ज्वाइन किए हैं और आगे भी ऐसी करती रहती है तो मुझे लगता है पहले से कंसोलिडेट मूव में जाएंगे। हाँ, तुरंत प्रभाव से अगर हम बात करें तो आपके 10 दिन के अंदर प्राइजेस में करीबन 100 से 125 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है, जो मुझे लगता है कि 2150 से 2180 तक के सपोर्ट होने चाहिए जी। अजय जी, ये जो वीट एक्सपोर्ट पर रोक लगी है इसके साथ साथ अब जैसे हमने वीट की कीमतों आपने बताया कि वीट के प्राइसेस थोड़े इंपैक्ट कर सकते हैं इससे, तो वीट के अलावा और कौन कौन से अनाज होंगे जो इसके असर से थोड़े प्रभावित होंगे?
देखिए ऑलरेडी अगर हमारी सिचुएशन अगर हम देखे या पल्सर्स की, अदर ग्रेन्स की, ऑयल सीड की, सभी में हमने कुछ कंसर्न्स बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अभी अगर हम वीट की बात करते हैं तो वीट पे तो कंट्रोल लगने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल सीड के ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारी इंपोर्ट से सबसे ज्यादा होते हैं। पल्सर्स के अंदर ऑलरेडी पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने जो लाइन ऑफ एक्शन कर रखा है, जिसके चलते आज हम बोल सकते हैं कि एमएसपी के नीचे चना अभी भी ट्रेड कर रहा है, या पल्सर्स में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखी है पिछले साल में। तो आई थिंक बाकी कमोडिटी पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इसलिए पड़ सकता है कि गवर्नमेंट अब एक युद्ध स्तर पे इन्फ्लेशन से लड़ने की कोशिश कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेंस कभी कोई भी दूसरे कमोडिटीज के अंदर गवर्नमेंट जल्दी देखे। तो असेंशियल कमोडिटीज के अंदर आई थिंक मार्केट में स्टेबिलिटी से वीकनेस वाला ही सीन दिखाई दे रहा है, और एक बार हम मई के बियॉन्ड निकल जाते हैं तो मानसून में हम देखते हैं कि ज्यादा करके कंजम्पशन में भी थोड़े बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। तो आई थिंक ऑलरेडी ऑयल सीड्स का हमने देख चुके हैं रिव्यू, या पल्सर्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे कूल ऑफ ही लगता है प्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट एक्शन, ये गवर्नमेंट के एक्शन के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया जय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, जिस आपसे आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी। तो हमारे जो एक्सपर्ट थे उनका तो यही कहना है कि इससे जो प्राइजेज हैं वीट के इन फ्यूचर में भी, यानी कि वायदा बाजार में भी और हाजिर में भी, दोनों जगह थोड़े कूल ऑफ होते नजर आएंगे, यानी कि उनमें थोड़ी गिरावट देखी जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से भारत निर्यात कर रहा था उसमें यही बताया जा रहा था कि जो निर्यात हो रहा है इसमें एक नियंत्रण नहीं है, यानी कि अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। किसान होल्ड कर ले रहे हैं, किसानों से पहले ही उपज खरीद ली जा रही है मंडियों में आने से पहले ही, हालांकि किसानों को अच्छा दाम मिला है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। तो ऐसे में जो कीमतें थी वो बढ़ रही थी। तो इस पर अब हमने एक्सपर्ट व्यू तो जाना, अब किसान व्यू क्या है इस वक्त, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। विजेंद्र जी, हाल ही में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में अब किसानों को जो दाम मिल रहे थे उसमें अब गिरावट आने की जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ गई है। एमएसपी तो 2050 क्विंटल तय की गई है, तो आपको क्या लगता है क्या अब गेहूं इस फैसले से एमएसपी से भी नीचे बिकता नजर आएगा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नीचे बिचेगा। और देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए हैं किसानों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार नहीं है। सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जो देखा कि किसानों की फसल इस समय पक्के रबी की फसल तैयार हो गई और कुछ प्रांतों में तो कट चुकी है, कुछ प्रांतों में कटाई जारी है, जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है। गवर्नमेंट ने देखा किसानों की फसल की आवक शुरू हो गई, हमको फसल किसान देगा नहीं क्योंकि निर्यात खुला हुआ है। जब मार्केट खुला हुआ है तो मार्केट में रेट ज्यादा है, एमएसपी कम है, इसलिए सरकार ने आनंद फानंद में निर्यात पर रोक लगा दी। ये तो जाहिर है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों के साथ सरकार अच्छा रवैया नहीं कर रही है। इस समय अगर सरकार को देखना था तो निर्यात को खुले दरवाजे रखती जी, जिससे किसान को अपनी फसल का उचित मूल बाजार में मिल जाता। जी विजेंद्र सिंह जी, जैसा आपने बताया था, बोला कि अभी सरकार को निर्यात के दरवाजे खुले रखने चाहिए थे, सरकार ने खुले भी रखे, लेकिन ये जो निर्यात हो रहा था, ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये अनियंत्रित तरीके से था। मतलब कहने का ये है कि गेहूं का निर्यात तो हो रहा था, लेकिन कितना निर्यात होना चाहिए कि जिससे कि अपने भारत में उसकी कमी ना हो, फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा पर कोई उंगली ना उठे, उसमें कुछ कमी ना आए, उसके लिए उसके मद्देनजर सरकार ने ऐसा किया है। तो आपको नहीं लगता कि नियंत्रण होना चाहिए कहीं ना कहीं इस पर भी? नहीं नहीं, अभी तो देखो, किसान को क्या पता भंडारण कितना है, ये तो हम अभी तो एक सप्ताह पहले ही अपने पेपर में, इन्होंने पेपर में खुले लिखा था, और प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जब गए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है सुरक्षा के भंडार हमारे हैं, खाद्य सुरक्षा के भंडार हमारे यहाँ पूरे हैं, हम सबको सप्लाई करेंगे, सबको वो देंगे, खाद्य सुरक्षा देंगे।
तो हम तो कह नहीं रहे इस बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं जी, जब इनके पास भंडारण पूरा है तो क्यों नहीं वो किया गया, क्यों निर्यात रोक दिया गया जी? निर्यात नहीं रोकना चाहिए था, सरकार ही तो कह रही है। सरकार ने पेपर में, अपडेट तो मैं नहीं बता सकता, एक सप्ताह पहला लगभग 8-10 दिन पहले पेपर में खुला वो था, वो टीवी पे मैंने पढ़ा था, टीवी मैंने देखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश में गए हैं, उन्होंने कहा है और आश्वासन दिया है कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर बोले हैं कि हमारे यहां पर्याप्त भंडार है जी, तो निर्यात बंद करना ही नहीं चाहिए था। अब किसान को उसका उचित मूल्य मिल रहा था, यानी कि 100 रुपए एमएसपी से 100-200 कहीं 150 हर स्टेट में अलग अलग था, किसान को फालतू रेट मिल रहा था। तो किसान एमएसपी पर इनको सरकारी केंद्रों को ना देकर प्राइवेट एजेंसियों को बेच रहा था, प्राइवेट बनियाओं को, अब उसको उचित मूल्य मिलने लगा तो इन्होंने देखा कि किसान को तो 100-200-500 फालतू मिल जाएगा, तुमको भंडारण मतलब जितना भंडारण इनको चाहिए उतना इनके पास पर्याप्त है, पर इनको है क्या, इनको तो अपनी अपनी ढगली अपना राग अपनाना है, इनको जो वो फायदा पहुंचाना है सरमाएदार को और सरकार को, किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना है इनको। हम तो ये कहते हैं एमएसपी के ऊपर, जब ये चलो एमएसपी के ऊपर भी बात में आपसे कहता हूं, आपका क्वेश्चन नहीं है मेरे से, अगर एमएसपी वाली बात थी तो पूरे वर्ष प्रतिबंध होना चाहिए, एमएसपी के ही रेट पूरे साल बिचेगा जी, क्यों नहीं कर दिया जाता कि सरकार में क्या हमारे उससे थोड़ा ही चल दिया, हमने तो इनको बना के भेज दिया उसमें सरकार को, विधानसभा में भेज दिया और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, वहां वो कानून में बनाए कि एमएसपी पर ही पूरे वर्ष हर खाद्यान्न बेचा और खरीदा जाएगा और निर्यात करते हैं तो वो उसका जो प्रॉफिट वो गवर्नमेंट को होगा, क्यों नहीं उसको लागू कर दिया जाए, लागू नहीं करते जी। अब किसानों का अनित होगा, होने दीजिए, इनको थोड़ा ही लग रहा है कि किसानों का अनित होगा इसमें। विजेंद्र सिंह जी, कहीं ना कहीं ये भी बात देखनी जा रही है कि किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम तो मिल रहा था, अच्छी बात है कि हमारे भारत के किसानों को दाम ज्यादा मिल रहा है, भारत पूरी दुनिया का पेट भी भर रहा था अपने उगाए गए गेहूं से, और इसका जो श्रेय है वो सिर्फ हमारे किसानों को ही जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि जो 10 किलो आटे की थैली 300-350 रुपए की आती थी, आज वो 400 रुपए से भी ऊपर की हो गई है, तो ऐसे में आम जनता की भी जेब पर असर पड़ रहा था। किसानों को तो दाम मिलने ही चाहिए, लेकिन आम जनता का भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि अगर एमएसपी से ज्यादा पर खरीद होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर भी पड़ेगा। आम जनता नहीं चाहती कि किसानों को नुकसान हो, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ मसौदा तैयार होना चाहिए कि किसानों को उनकी लागत अच्छी भी मिले, किसानों को मुनाफा भी हो और आम जनता भी महंगाई की मार में ना मरे? देखिए ऐसा है, किसान और मजदूर का तो साथ है बिल्कुल, किसान मजदूर एक साथ चलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। किसान एक किसान के परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, तो पांचों वो खेती ही हर मजदूर हैं, और उसके बराबर में कुछ और लोग जो निवास करते हैं गांव में देहातों में, वो भी किसानों के सहारे जीते हैं, वो भी वहीं अपना उनका काम धंधा व्यवसाय करके कृषि से ही वो सब अपना पालन करते हैं। अच्छा, आप बात आई, आपका प्रश्न था कि 10 किलो का पैकेट 400 रुपए का जो मिल रहा है, वो प्रतिबंध किसान के ऊपर थोड़ा ही है, वो प्रतिबंध तो इनको करना है, उसकी देखरेख तो इनको करनी है, उसका मान लो 400 रुपए का बिचरा था, उसका पैसा क्या किसान के पॉकेट में आ रहा था, उसका पैकेज तो जो मुनाफा था वो व्यापारी के पॉकेट में जा रहा था, उस पर प्रतिबंध इनको करना चाहिए, उसका कौन, उसको कौन करेगी? इसीलिए तो मैंने कहा कि एमएसपी अगर लागू करके पूरे वर्ष प्रतिबंध होना चाहिए, इस एमएसपी से ज्यादा खरीद नहीं होगी जी, कम नहीं होगी, उसको मद्देनजर देखना चाहिए, वहां विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, उनको यह देखना चाहिए कि किसानों को मुनाफा कहां तक मिल जाएगा, उचित रेट कहां तक मिल जाएगा। 2015 में किसान को उचित रेट नहीं मिल रहा, ये भी मानते हैं, ये जानते हैं कि किसान को उचित रेट नहीं मिल रहा जी, मान लो उसको 200-400 रुपए जो भी उचित रेट मिलता उसको उतना बढ़ा करके उतने पर क्लोज कर देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बिचेगा, तो किसान की एक पर्दी बन जाएगी, वो भी ये देख लेगा भाई इससे ज्यादा तो बिचेगा ही नहीं, हमने अब बेच लो या आगे चल के बेच लो,
खुले मार्केट में बेच लो या सरकार को दे दो, वो तो प्रतिबंध हो जाएगा किसान का वहां। अब आती है मार्केट वाली बात कि इतना मुनाफा है क्या, ये जो बीजेपी सरकार है सरमाएदारों की है, सरमाएदारों को मुनाफा अगर ये नहीं पहुंचाएगी तो सरकार नहीं आएगी, ये मैं आपको बताई देता हूं, ये स्पष्ट है, सब जानता है, हर बच्चा जानता है और पॉलिटिक्स जो सरकार है वो सब जानती है। 400 रुपए का पैकेट बिका 40 और 45 रुपए किलो, हमसे जो 21 रुपए किलो लेकर के 19 रुपए किलो का मुनाफा जो कमा रहा है, चलो उसमें 2-4-5 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 15 रुपए किलो का मार्जिन यानी 1500 रुपया क्विंटल मुनाफा कौन ले रहा है, सरमाएदार, किसान को मिल रहा है, उसमें दोनों सरकार और सरमाएदार दोनों गुनेगार है, किसान नहीं है उसमें गुनेगार। उस महंगाई को तो सरकार रोक सकती है, उसको हम नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते जी, वो तो खुला दरवाजा है उस पर। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो विशेषज्ञ और जो मंत्री जी बैठे एक एमएसपी के ऊपर ही और कुम्हार का जो नहीं होता है इसमें डाल देते हैं रेट लिस्ट पे आया था, जब उसको इतना टाइट हम कर देंगे कि हर किसी का एमआरपी से ज्यादा नहीं बिचेगा, हमने तो आज भी मार्केट में देखा है एमआरपी से ज्यादा बिचने की तो बात कहां नहीं कि एमआरपी वो अपना ही छाप देते, एमआरपी इतना ज्यादा छाप देते हैं कि ग्राहक कितना कम करेगा जी, उस पर भी तो एक प्रतिबंध होना चाहिए जी। जब प्रतिबंध हो जाएगा, नियम कानून टाइट हो जाएंगे तो सब धीरे धीरे रुक जाएगा। हालांकि व्यवस्था में सुधार हो रहा है, उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये करना चाहिए, इसका मुनाफा किसान को नहीं मिल रहा। किसान को तो जो मिलना था 150 वो मिला, अब नहीं मिलेगा, निर्यात रुक गया, अब होगा क्या, किसान मार्केट जाएगा, बनिए जो भी खरीद रहे प्राइवेट एजेंसियां वो सस्ता खरीदेंगे, 2015 का गवर्नमेंट खरीद रही है, फिर गवर्नमेंट को जाने लगेगा, उसका मुनाफा सरकार प्लस सरमाएदारों को मिल जाएगा जो निर्यात करेंगे। ये है जी, यानी कि अगर सरकार कोई भी फैसला लेती है तो जी, किसानों की एमएसपी पर तो असर पड़ जाता है, किसानों को एमएसपी से नीचे दाम तो मिल जाता है, लेकिन जी, सरकार जिस उद्देश्य से करती है कि एमआरपी यानी कि जिस मूल्य पर आम जनता खरीदती है उस उत्पाद को, उस फसल से बने हुए उत्पाद को, उसकी कीमतें कम नहीं होती है, चाहे गेहूं हो चाहे खाने का तेल ही क्यों ना हो, यही गेहूं की तरह हमने खाने के तेलों में भी देखा है जी, एमएसपी से नीचे में तो किसान अपनी मजबूरी में फसल बेच देता है, लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो कम ही नहीं, वो ही पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में जो जमाखोर होते हैं, जो पहले से ही बीच में बैठे होते हैं, उसकी वजह से जो किसानों से सस्ते में खरीद के महंगी में बेची जाती है, सरकार को इनको बीच से हटाने की काफी ज्यादा जरूरत है, और सरकार भी ऐसा चाहती है कि किसानों को एमएसपी भी मिले और आम जनता को ज्यादा भार भी ना मिले। जी 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 जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, और सरकार की ये सरकार की, हर सरकार की, मैं तो ये कहता हूँ हर सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए जी, और मैं देखो वो नहीं कर रहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पहल पर बहुत ज्यादा है, परंतु वो कहीं ना कहीं सरकार से सटे हुए जरूर हैं, जमाखोर जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं लिंक जरूर है, मैं ये नहीं कहता, और माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा अपना स्कोप बना के अच्छा कर रहे हैं कि हर चीज को एक कंट्रोलर बना दिया जाए, एक रिमोट सिस्टम बना दिया जाए, पर क्या किया जाए कि ये कहीं ना कहीं अपना टच बनाए हुए हैं अभी, ये तो काफी समय लगेगा, अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2-3 बार अगर अभी यही रिपीट प्रधानमंत्री जी हो तब जाके रिमोट एकदम हाथ में आएगा, तब इन पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि अकेले सिस्टम को तो देख नहीं सकते, आदेश ही तो पारित कर सकते हैं, अब आदेश को हम उनके को फॉलो करें ना करें, बीच में ये हो रहा है जी, उनको करना चाहिए और थोड़ा टाइट में लेना चाहिए, और उसी से देखो जिस देश का हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी है, किसान कृषि इसी से है, हमारी अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगी, हमारा तो पूरा वो हो जाएगा, चौपट हो जाएगा हिंदुस्तान का, इनको बिल्कुल उस पर टाइट में लेना चाहिए जी। अब खरीफ की फसल का सीजनल शुरू होने वाला है, उसकी ओर ये ध्यान केंद्रित नहीं है, देखो
मैं अपने यूपी की बात कहता हूं, दो फरवरी 2019 से सामान्य योजना के अंतर्गत बिजली ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाते हैं, उनके लिए 2019 से सामान्य योजना का बजट जारी नहीं किया यूपी गवर्नमेंट ने। तो क्या खरीफ की फसल में वो किसान अपनी उड़द ज्वार मक्का बाजरा जो भी धान फसल जो उगाए वो क्या उगा सकता है? 2019 से बैठा है, ध्यान ही नहीं है। वैसे कहते हैं हम ये भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब डिपार्टमेंटली अगर इन्हें पूछ लिया जाए कि आपने सामान्य योजना के अंदर कितने कनेक्शन 2019 के बाद दिए, तो फट से निकल कर आ जाएगा जीरो, क्यों नहीं दिए? क्या किसान की चिंता थी आपको? अब जिस पे पैसा है वो अपना ट्यूबवेल कनेक्शन लगवा लिए, वो अपना भर सिंचाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में हमारे में कमी जरूर है, और कहीं ना कहीं ये घूसखोर अपना सरकार से सटीक बनाए बैठे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। जी जी, जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। तो एक्सपर्ट व्यू भी जाना, राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष का भी व्यू जाना, तो अब एक्चुअल में बाजार रहेगा कैसे, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी देश के अंदर भी विदेश के अंदर भी? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बाद अब सिर्फ भारत ही एकमात्र देश था जो मिस्र हो गया और तुर्की हो गया, इन बड़े बड़े देशों में जहां पर जो ये वो देश हैं जो पूर्ण रूप से अपने अनाज के लिए यानी कि गेहूं के लिए विदेशों पर ही निर्भर हैं, आयात पर ही निर्भर हैं। तो अब जब इन देशों को यहां से गेहूं का निर्यात रुक जाएगा तो क्या संकट पैदा होगा और इसका असर भारत पर कैसा रहेगा, ये जानेंगे। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ अखिलेश राठी जी और मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शक बंधु, मैं कर्नल अजय आपसे मुखातिब होता हूँ आज के एक विशेष एपिसोड में। ये अखिलेश जी, कर्नल अजय जी, सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। आपने कल ही के दिन कहा था कि आपने स्पेशल रिपोर्ट जारी करी थी मोटे अनाजों के ऊपर, इसमें आपने गेहूं को भी शामिल किया था। आपने बता दिया था कि फैसला आ सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं, और वो फैसला आज हमने होते हुए भी देख लिया। तो अब कर्नल अजय जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मद्देनज़र देश से गेहूं का निर्यात रोका है, अच्छी बात है, लेकिन रशिया यूक्रेन संकट से जिन देशों को निर्यात हो रहा था जैसे कि इजिप्ट, टर्की और भी देश जुड़ना जा रहे थे भारत से, और ये वो देश हैं जो पूर्ण रूप से अनाजों के लिए आयात पर ही निर्भर हैं, तो ऐसे में इन देशों में अब इसका असर क्या पड़ेगा? क्या भारत के अलावा कोई देश सामने आएगा जो गेहूं का इतने बड़े पैमाने पर निर्यात कर सके? देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि जो ब्लैक सी है यानी काला सागर के जरिए जो वीट यानी गेहूं का जो निर्यात रशिया और यूक्रेन करता है, और उस दोनों ही देशों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है पिछले लगभग दो महीने से, इसका असर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पे पड़ रहा है। और विशेषकर जो आपने बताया टर्की है, इजिप्ट है और ये बाकी जो देश है, इवन बांग्लादेश भी शामिल है उसमें, उनके उसके अंदर वहां पे खाद्य संकट है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारत को सबसे पहले अपने निवासियों की खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप देखें कि जो भारत सरकार ने इनिशियली गेहूं के जो प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए थे, वो आंकड़े भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर भी 60-70 लाख पर, और कुछ लोगों का तो यहाँ भी कहना है कि लगभग 1 करोड़ टन का कम प्रोडक्शन हो सकता है, और 50-60 लाख टन को तो कम होने की पूरी पूरी संभावना बनी रही है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एमएसपी पे जो भारत सरकार जो गेहूं खरीदती थी और जिसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए या प्रधानमंत्री योजनाओं के जरिए या नरेगा के अंदर या दूसरे तरीके से होता था, वो ये खरीदे गए गेहूं के जरिए होता था। और आप ये भी देखें कि लगभग 444 का जो लक्ष्य था वो पूरा लगभग आधा भी नहीं हुआ है, 55% कम अभी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट से हुई है, क्योंकि किसानों ने डायरेक्ट माल निर्यातकों को देना शुरू किया हुआ है और मंडियों में भी गेहूं की का आवक बिल्कुल कम हो गई थी। ऐसी दशा के अंदर जब उत्पादन आपका कम है
और आपके पास सरकारी जो भंडारण है वो आधे से भी आधा आपका प्रोक्योरमेंट है, और अभी आपने लगातार निर्यात किया तो इसका इसका असर भारतीय जनता पर विशेष पड़ना चाहिए। और अभी आप देखे हैं कि अभी अभी तीन महीने पहले दो महीने पहले के जो एक आम उपभोक्ता वाली वस्तुएं हैं, तो आटा ब्रेड बिस्किट और ये सब कुछ, जो ब्रेड आज से तीन महीने पहले तीस रुपए पैंतीस रुपए की थी, अब वही ब्रेड आज 40-50 रुपए की आ रही है। ये हाल बिस्किट्स में हो रहा है, और जो आम जनता के ऊपर जो महंगाई दर जो अभी बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, वो भी अनाजों की वजह से काफी बहुत तेज हो गया है। और यही वजह रही कि आरबीआई गवर्नर को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा से पहले आकर है ना 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाना पड़ा, नहीं तो महंगाई बहुत तेजी से चरम सीमा पे पहुंच रही थी। तो अब एक सवाल ये है कि क्या हम टर्की की तरफ देखें, क्या हम इजिप्ट की तरफ देखें, क्या हम बांग्लादेश की तरफ देखें, या दूसरे देशों की तरफ देखें, या फिर हम अफगानिस्तान की तरफ देखें। अफगानिस्तान में भी भारत सरकार ने गेहूं एक एमएसटी सहायता की है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि जब आप सबसे पहले आप अपनी जनता को जो जो कमर तोड़ महंगाई हो रही है उसके ऊपर आपको नजर नहीं रखते, और बाकी बाकी देशों पर आप नजर रख रहे हैं। और ये भी निश्चित रूप से है कि जो चाहे इजिप्ट हो चाहे टर्की हो या बाकी जो खाड़ी के देश है, वो हमसे अनाज इसलिए ले रहे हैं कि हमारा अनाज सस्ता है। हमारा अनाज $370 के आसपास है, जबकि बाहर का जो डॉलर जो दूसरे देश जो जो कर रहे हैं वो 380 से 390 है। तो हमारा लगभग $10 से $15 कम होने की वजह से हमसे भारत से ये देश आयात कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर ये महत्वपूर्ण हो गया कि कोई भी यहाँ पे सजा नहीं है, आपको बाल सस्ता मिलेगा वहां से आप लोगे। अब दूसरी चीज आप देखो कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार, वो भी लगातार बढ़ता बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इधर विदेशी मुद्रा का भंडारण भी कम हो रहा है लगातार, ये इसमें कमी आ रही है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा एग्जिट कर रहे हैं पिछले 7 महीने से। तो आपका सवाल ये है कि उन देशों का क्या होगा जी, तो और दूसरा सवाल आपका था तो कौन सा दूसरा देश ऐसा है कि जो निर्यात में आगे आ सकता है जी। तो इसका बिल्कुल सीधा उत्तर है कि फ्रांस का जो गेहूं अब धीरे धीरे बाजार में आने की संभावना हो जाएगी जून के महीने में। तो फ्रांस एक बहुत तेजी से उभरता हुआ वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री होगा जिसका जून के अंदर आ सकता है, तो वो वतन ले सकता है। और एक और कि जो रशिया और यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और ये हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि उनके बंदरगाहों को जो अभी सस्पेंड है शिपमेंट, वो भी अब चालू हो। और यूक्रेन ने अपना माल जो पड़ोसी देशों के मुल्कों में जो है उनके उनके बंदरगाहों से उन्होंने अब माल एक्सपोर्ट चालू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो की शुरुआत हो चुकी है जी। और रशिया का भी है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए बहुत हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश की जनता का भला पहले देखना चाहिए, और किसानों ने इस बार बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाया जिसका पूर्व अनुमान एवं आकलन हमने लगभग 2 से 3 महीने पहले भी दिया था, और अभी 4-5 दिन पहले का भी हमारा एक एपिसोड था जिसमें हमने मोटे अनाज के पर चर्चा की थी कि हमने उसको एक इशारा भी दिया था कि यदि समय पे आप मुनाफा नहीं वसूल करोगे, और आपको याद हो तो हमने एक उपमा भी दी थी कि यदि पेड़ के ऊपर फल पक जाता है या आप उसको समय से नहीं तोड़ोगे या तो पक्षी खाएंगे, या उसके बाद नहीं होगा तो वो फिर जमीन पे गिरेगा और वो नष्ट हो जाएगा। तो व्यापारी हो या किसान, उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको यदि आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, 25 से 30% आपको पैसा ऊपर मिल रहा है, 1900-2000 का दाम का यदि आपको 2400-2500 रुपए के भाव के हिसाब से चीज मिल रही है, तो आपको उसके अंदर मुनाफा आपको लेना चाहिए। अभी नहीं लोगे तो कोई ना कोई सरकारी या कोई ना कोई और दूसरी प्रबंधन आ जाएगा। कनल जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ये जो फैसला आया है सरकार का, काफ़ी बड़ा फैसला है, वैसे देखा जाए तो पूरा इंटरनेशनली काफ़ी सारी कंट्रीज प्रभावित होने वाली हैं और हो भी चुकी होंगी इनफैक्ट, तो ऐसे में अब भारत की बात की जाए तो भारत में क्या लगता है आपको,
जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मंडियों में गेहूं 2500 रुपए क्विंटल बिक रहा है और एमएसपी है 2015 रुपए क्विंटल, किसानों को मुनाफा मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या इस फैसले से ऐसा भी मुमकिन है कि जो गेहूं की जो प्राइसेस हैं वो एमएसपी के नीचे आ जाएं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए कि आपने वो सवाल पूछा है कि इसकी कीमत अरबों खरबों रुपए की है जी, और जो भी ये इंटरव्यू सुन रहा है, जो भी इसको सुन रहा है, मुझे लगता है कि उसको उनको फायदा हो सकता है। देखिए इसमें दो राय हैं। नंबर वन कि निर्यात, भारत के निर्यात रोकने से बाकी कंट्रियों पे क्या फर्क पड़ेगा, पहला सवाल। उसका मेरा बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत इन दिनों प्रमुख वीट एक्सपोर्टर के रूप में उभरा, और यदि यहां पर रोक लगी तो मेरे हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम बढ़ जाने चाहिए जी। पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मेरी एस्टिमेशन है कि भारत के गेहूं निर्यात की खबर से, क्योंकि ये 13 मई सन 2022 को जो भारत सरकार ने वीट को जो पहले फ्री कैटेगरी में था उसको प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया है जी। और उसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि यदि जिसका पहले से ऑलरेडी ऑर्डर है और उसका जो चलान का जो बन चुका है तो उसको छूट भी मिलेगी, और उसके अंदर एक आध छूटे और भी हैं। तो मेन मकसद यह है कि भारत के वीट एक्सपोर्ट को रोक लगाने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या था अखिलेश जी, एक बार दोबारा रिपीट करें। दूसरा पॉइंट मेरा कर्नल अजय जी ये था कि अगर एक्सपोर्ट जैसे रुक गया है तो भारत में इसका असर क्या होगा, क्या भारत में किसानों को एमएसपी से नीचे प्राइसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, या फिर भारतीय किसानों को जैसा आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये जो दाम है अब तेजी रहेंगे, कीमतों में तेजी रहेगी, भारत के किसानों को फायदा होना चाहिए, तो इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या अभी इस पर असर रहेगा? बहुत दूसरा सवाल आपने जी वो पूछा है जो जिसकी भी तुलना कहीं नहीं हो सकती। पहला तो सब इसके अंदर आपने दो भागों में पूछा है इसका कि एमएसपी से क्या नीचे गेहूं आएगा, आपका पॉइंट। इस तो मेरा उत्तर पहले पॉइंट में यह है कि भारत से गेहूं के निर्यात रोकने की खबर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव बढ़ेंगे, एक। उसका जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम बढ़ेंगे और भारत में, जैसे मैंने बताया कि इस भारत के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन सरकारी आंकड़ों के अनुमान से कम आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं तो बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, जो आपने प्रिक्योरमेंट करना था सरकार को वो आधे से भी कम हुआ है। इसका असर यह भी पड़ेगा कि देशी बाजारों में यानी भारतीय बाजारों के अंदर अभी हड़कंप मचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्यातक माल खरीदने में हाथ खींच लेंगे और जिनका माल पहुंचा हुआ है उनको पेमेंट होगा, लेकिन आगे फ्रेश बाइंग जो 2400-2500 रुपए के, 2300 रुपए की, 2250 की और ये हो रही थी, 2500 रुपए तक के भाव थे पोर्ट तक, 2500 रुपए के भाव थे, 2550 तक के भाव थे, उन भावों के अंदर अभी टेम्परेरी रूप के रूप में कुछ इस पे रोक लगेगी, इसके अंदर कुछ गिरावट होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है जून के महीने के अंदर इंपॉर्टेंट यह रहेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर रेटों में फर्क पड़ेगा, फ्रांस का जब फ्लीट बाजार में आएगा और वो कितना भाव पाएगा उसके ऊपर अगले जून और जुलाई के महीने में गेहूं की भाव का पूरा फर्क पड़ेगा। और ये भी जो भी भारत सरकार, भारत के एक्सपोर्टर्स ने गेहूं का जो निर्यात किया है वो यहाँ के प्रोडक्शन में से कम होगा, और कितना जब आंकड़े आएंगे कि भारत ने कुल एक्सपोर्ट पिछले दो महीने में कितना कर दिया है या जून के महीने तक कितना एक्सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि खबर निकल के आ रही है 50,000 टन गेहूं का टर्की ने भी भारत को ऑर्डर दे रखा है गेहूं के इंपोर्ट के लिए, तो ये 50,000 टन भी जाएगा। अब तो कुल मिला के जब वो आंकड़े आएंगे कि भारत ने पिछले 2-2.5 महीने में कितना एक्सपोर्ट वीट का किया है और कितना इसका प्रोडक्शन आया है घटेगा और कितनी हमारी कंजम्पशन है, उसके बाद वो बैलेंस निकल के आएगा।
तब निर्भर होगा कि वो गेहूं के दाम एमएसपी के नीचे जाएंगे या नहीं। लेकिन कुल मिला के मेरा अनुमान ये कह रहा है कि एमएसपी से नीचे गेहूं के दाम इस बार नहीं जा सकते जी। इसकी संभावना बहुत कम है कि एमएसपी से जो 2015 का जो भाव है मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाएगा, क्योंकि 2015 पे तो किसान सरकार को देने को तैयार ही है ना। अब सरकार को जिन्होंने नहीं दिया माल ऊंचे दाम पर और जिन्होंने बेच दिया वो तो उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन किसानों ने, किसी ने 5000 बोरी, किसी ने 10000 बोरी, किसी ने 2000 बोरी, किसी ने 500 बोरी, अलग अलग ये सोच के रखा था कि हम तो है ना 2800 रुपए में बेचेंगे, हम तो 3000 रुपए में बेचेंगे, हम तो 3100 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे। ऐसी जो अफवाह थी उन अफवाहों में उन किसानों को तकलीफ हो सकती है या उन व्यापारियों को जिन्होंने भाव को 2800 रुपए की नजर रखने के लिए जो माल रख रखा था उनको तकलीफ होगी। लेकिन जिन्होंने 2000 की जगह 2200 रुपए में माल बेच लिया या 2300 में माल बेच लिया या 2400 में माल बेच लिया उनको तो सुपर प्रॉफिट हो गया है जी। तो अब उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है और इसका जुलाई महीने में, जून के महीने में ही हो पाएगा इससे पहले अनुमान है। लेकिन कुल मिला के एमएसपी से नीचे गेहूं का जाना मुश्किल नजर आ रहा है। ये अखिलेश जी। जी कर्नल जी, तो यानी कि हमारे एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी का तो यही कहना है कि जिस हिसाब से सरकार ने यह फैसला लिया है खाद फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि पहली प्राथमिकता देश की जनता की होनी चाहिए, देश के लोगों की होनी चाहिए। तो ऐसे में जब निर्यात यहाँ से रुक जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गेहूं की बढ़ जाएंगी और जिन किसानों ने अपना गेहूं पहले निकाल लिया उनको काफ़ी फायदा भी हुआ है। लेकिन उन्होंने एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि एमएसपी से नीचे गेहूँ इस बार नहीं बिकेगा। कर्नल अजय जी ने गेहूं की रिपोर्ट्स पहले भी काफ़ी सारी मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से जारी की हैं और आगे भी ऐसी जारी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी पेशकश गेहूं के निर्यात के ऊपर। फिलहाल मार्केट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।